हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक और न्यू और ज़बरदस्त वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे शकरकंदी की चाट, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि हम इसे भून के बनाने वाले हैं। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम आलू को या शकरकंदी को किस तरह से बिल्कुल ईजी तरीके से, बिना कोई कुकर, ओवन, तवा, कढ़ाई यूज़ करे बिना, हम किस तरह से ईजिली इसको घर पे ही भून सकते हैं, मतलब 8 से 10 मिनट के अंदर। और आपको पता ही है, जो भुनी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती हैं और इनका टेस्ट भूनने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये ज़बरदस्त चाट बनाने वाले हैं और इसके साथ ही सीखेंगे खास ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेनी है शकरकंदी या जो भी हमें आलू जो हमने भूनना है, तो उसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और उसकी मिट्टी जितनी भी उसको निकाल लेनी है, उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है धोने के बाद। और उसके बाद इस तरह से हम हमारे आलू या जो भी चीज़ हमने भूननी है, आलू या शकरकंदी, उसके ऊपर इस तरह से हम हल्की सी ऑयल की कोटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये वो खास ट्रिक। और कोटिंग करने के बाद हम इसे सिल्वर फॉइल में इस तरह से रैप कर लेंगे अच्छे से, पूरी तरह से, कहीं से भी इसका ओपन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से रैप कर दी हैं, जो हमारे अल्मोनियम फॉइल जो होती है जिसमें हम रोटी वगैरह पैक करके देते हैं लंच में, टिफ़िन में, तो उसी फॉइल में हमने इसको लपेट लेनी है इस तरीके से। और इस तरह से आप गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और कोई भी जाली इसके ऊपर रख दीजिए जिसके ऊपर ये हम सभी चीज़ें रख के भून पाएँ, जैसे हम बैंगन वगैरह भूनते हैं भरते के लिए। तो इसी तरह से हमने इसको भूनना है। और फॉइल का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी शकरकंदी और आलू है ये जलेंगे नहीं और इसका टेस्ट बिल्कुल बना रहेगा। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि भूनने के बाद कितनी ज़बरदस्त ये दिखती हैं और कितने फटाफट ये भुन जाती हैं, मतलब मुश्किल से आपको इसके अंदर 8 मिनट लगेंगे और ये आपके शकरकंदियाँ और जो आलू है ये भुन जाएंगे। तो हमने लो फ्लेम में इसको भूनना है, लो टू मीडियम में, हाई फ्लेम में इसे नहीं भूनना है। और इसको हम इस तरह से बारी बारी से, थोड़े थोड़े, एक एक दो दो मिनट के गैप पर हम इसको रोटेट करते जाएंगे, थोड़ा हम इसे घुमाते जाएंगे आगे पीछे से, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, आप कैसे धुआं निकल रहा है। और ये देखिए, इस तरह से आप नाइफ से इसमें प्रिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी शकरकंदी भुन गई है या नहीं भुनी है। तो ये ऑलमोस्ट भुन चुकी है 80-90%। इसे थोड़ी देर तक हम इसे और भुनेंगे और इस तरह से हम चिमटे से इसको उलट पुलट करके चारों साइड से सेकेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि नाइफ कितना ईजली इसके अंदर घुस गई है। तो ये जो हमारी शकरकंदी है ये ऑलमोस्ट भुन चुकी है। तो इसे 1-2 मिनट हम और भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शकरकंदी तो हमारी भुन गई है और आलू चूंकि थोड़ा मोटा था, बड़ा था, तो इसको हम 1-2 मिनट थोड़ा और भूनने देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये भुन गई है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो ये हमारी शकरकंदी है कितने बढ़िया से भुन चुकी है। और अब हम इसका, ये देखिए, इस तरह से छिलका निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इतनी बढ़िया इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने ये शकरकंदियाँ भून ली हैं। तो इसको हम छील लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शकरकंदी भुन चुकी है और इसका मैंने छिलका उतार लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको 1-2 दिखाई हैं ये। और अभी मैं आपको ये आलू भी देखिए चेक करा देती हूँ कि ये भी कितने अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखिए, हम इसका ये सिल्वर फॉइल हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा आलू भी बहुत बढ़िया से भुन चुका है। तो हम इसको छील लेंगे अब। तो चूँकि ये थोड़ा गर्म है, अभी अभी जस्ट मैंने गैस से उतारा है ये, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। और इसका कलर से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। और आपको पता है, भुनी हुई चीज़ों का जो फ्लेवर है वो डिफरेंट ही होता है, खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर अभी कभी आपको इस तरह से अगर भूनना है तो अब आप शकरकंद या आलू को ईजिली आप भून सकते हैं गैस के ऊपर ही इस खास ट्रिक के साथ। ये देखिए, मैं आपको आलू से कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देखिए भून चुका है, ये कच्चा नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए। और हम इस तरह से इसके स्लाइस हम कर देंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैं आपको काट के बिल्कुल प्रॉपर वे से दिखा देती हूँ कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है मैंने वीडियो में। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से भुन जाएंगी हमारी शकरकंदी और आलू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं फटाफट से अपनी चाट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, की शकरकंदी को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसमें चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा चम्मच डाल दिया है इसके अंदर ये भुना हुआ जीरे का पाउडर। और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला। थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर काला नमक। थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि लाल मिर्च को डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्च कम पसंद है, थोड़ी सी डाली मैंने इसके अंदर हरी मिर्च, एक हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दी है। अगर आपको चाट स्पाइसी पसंद है तो आप ये हरी मिर्च वगैरह डालें, अदरवाइज़ आप इसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक और चाट मसाला डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब डाला है मैंने इसके अंदर काला मसाला, जो कि चाट मसाला होता है। ये आपको इजीली किसी भी किराने या जनरल स्टोर से मिल जाएगा। और दो पिंजी डाली है मैंने इसके अंदर, जिसे हम पीली मिर्च या पीला मसाला बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये मसाले अवेलेबल हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अपने टेस्ट के अनुसार जो भी आपके घर में मसाले अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। और आधा डाल दिया है मैंने इसके अंदर नींबू का रस, जिससे कि जो हमारी चाट है उसका फ्लेवर बढ़ जाए। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसके अंदर ग्रीन कोरिएंडर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे, जिससे कि मसाले बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और फ्रेंड्स, ये है चटनी। और अगर आपको 5 डिफरेंट स्टाइल में चटनी बनाना सीखना है तो आप उसके लिए मेरा वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे रखा है। तो मैंने आपको उसमें रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी, आपको सैंडविच चटनी, प्याज की चटनी, टमाटर की चटनी और आंवले की चटनी बनाना सिखाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाके वहाँ से लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो शकरकंदी चाट है ये बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे खाएं, इंजॉय करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये शकरकंदी की चाट तैयार है। तो थोड़ा हम इसको गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है थोड़ा सा नींबू काट कर, एक हरी मिर्च, और थोड़ा सा हम इसको हरी चटनी के साथ गार्निश कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको ये आज की वीडियो, मेरी जो खास ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, अगर वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।